अजीतगढ़ स्थित बाबा नारायण दास राजकीय उप जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए भोजन एवं अल्पाहार की निःशुल्क व्यवस्था प्रारंभ की गई है। समिति के पवन हरितवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अजीतगढ़ के इस चिकित्सालय में कोविड केयर सेंटर बनाने के कारण स्थानीय एवं आसपास के अनेक गांवों के कोरोना संक्रमित मरीज एवं उनके परिजनों का निरंतर आवागमन हो रहा है। लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में कोरोना मरीजों एवं उनके परिजनों को भोजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए कोरोना के विरुद्ध युक्त समिति के कार्यकर्ताओं ने संरक्षक मंडल के सानिध्य में व्हाट्सएप समूह पर चर्चा करके ये तय किया कि समिति को इन परिस्थितियों में भी सेवा कार्य जारी रखने हैं। सेवा कार्य के लिए समिति के पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन से चर्चा की तथा आवश्यक सावधानियां रखते हुए अस्पताल के सामने हनुमान मंदिर में रसोई बनाने का कार्य प्रारंभ किया। यहां पर भोजन अल्पाहार चाय आदि की तैयारी करके अस्पताल परिसर में कोरोना मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खास सामग्री वितरित की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान समिति की ओर से अजीतगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र में निरंतर सेवा कार्य चलाए गए थे, जिनमें पशुओं के लिए चारा, पक्षियों के लिए दाना तथा बंदरों के लिए केले इत्यादि वितरित करने के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों को भी खाद्य सामग्री राशन किट भी पहुंचाए गए थे। भोजन व्यवस्था प्रमुख, वितरण प्रमुख बनाकर पूरी टीम जुटी हुई है और जो सेवा के अन्य प्रकल्प भी शुरू करेगी। अजीतगढ़ से विमल इंदौरिया की रिपोर्ट।